सैन, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। नरेला थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने दो ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीडीए पार्क रामलीला ग्राउंड के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से ऑटो लिफ्टिंग की गई एक बाइक भी बरामद की गई है। नरेला इलाके में यह आरोपी अक्सर ऑटो लिफ्टिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नरेला थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने बीती रात दो कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये आरोपी लगातार इलाके में ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों में से एक पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके का घोषित बीसी है। वहीं दूसरा आरोपी, जिसका नाम संदीप है, वह सोनीपत का रहने वाला है। फिलहाल नरेला थाना पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें, आरोपी जिस बाइक पर सवार थे, वह बाइक HDFC बैंक नरेला के बाहर से अगस्त महीने में ही चोरी की गई थी। आपको बता दें, नरेला थाना पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद करीब 6 आपराधिक मामले सुलझाए हैं। वहीं नरेला थाना पुलिस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इलाके के कुछ और मामले भी खुल सकते हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।